हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वंस अगेन दिस इज वीगल शाह फ्रॉम ट्रिपल आई एम, और फिर से आप लोगों का स्वागत है हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम के अंदर। हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर ऑल अराउंड इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड से बहुत सारे क्वेरीज, डाउट्स वगैरह आते हैं, और जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, दे आर फेसिंग सम इश्यूज। तो उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स और क्वेरीज को हम लोग यहाँ पे रिजोल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, उनको आंसर देने के लिए ट्राई करते हैं। सो दैट्स व्हाई टुडे वंस अगेन विद द वन मोर क्वेश्चन वी आर हियर। सो आज का जो क्वेश्चन है वो लेते हैं वसीम रिजवान का, एंड वसीम जी ने क्वेश्चन किया हुआ है कि क्या मैं एक पोर्ट से सारे पोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकता हूं, मतलब ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड सारे देशों को मैं क्या एक्सपोर्ट कर सकता हूं, एक ही पोर्ट से मैं क्या हर कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकता हूं, या अलग अलग पोर्ट पे मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो वसीम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अवर व्यूअर, और हमारे वीडियोस देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए खूब खूब धन्यवाद आपका। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या मैं एक पोर्ट से सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकता हूं, तो द आंसर इज ऑब्वियसली यस। यस, आप कर सकते हैं, एक ही पोर्ट से सारे कंट्री के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट आपको एक चीज ये कंफर्म करनी पड़ेगी कि क्या फ्रीक्वेंसी क्या है, आप जिस पोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे शिप्स, वेसल्स जो आते हैं वो कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, वो पोर्ट कितना ऑपरेटेड है, वहां से कितनी जल्दी आपको स्केड्यूल मिलता है अपनी कंट्री को भेजने के लिए, क्या डायरेक्ट शिपिंग लाइन अवेलेबल है या वाया वाया करके जा रहा है या उसका ट्रांसशिपमेंट हो रहा है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू चेक इट आउट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ्रीक्वेंसी आपको न मिलने की वजह से बहुत डिले हो जाता है और आपका बायर थोड़ा जल्दी जल्दी करता है या वो आपके कंसाइनमेंट को, ऑर्डर को रिजेक्ट भी कर सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक सम इंक्वायरीज विद योर सीएचए के ऊपर या पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर, उसकी वेबसाइट पे जाके आप वहां पे चेक कर सकते हो कि कितने फ्रीक्वेंटली वहां पे शिप आते हैं, कितने शिप्स आते हैं, कंटेनर शिप्स होते हैं या बल्क शिप्स होते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू चेक इट आउट। वो सारी चीजें आप पहले चेक कर लीजिए, फिर वहां से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हर पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत हर कंट्री में भेजने के लिए नहीं होती है, बट स्टिल फॉर एन एग्जाम्पल आप जैसे बैठे हुए हैं चेन्नई के अंदर, तो चेन्नई पोर्ट से आप चेन्नई पोर्ट पे आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और आपका कार्गो गया है यूरोप, राइट। सो एक कंसाइनमेंट आपका खत्म हो गया, बट दूसरी बार आपका प्रोडक्ट है वो आपने गुजरात से सोर्स किया हुआ है। सो गुजरात से चेन्नई लेकर जाकर फिर चेन्नई से एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, गुजरात के अंदर ही मुंद्रा पोर्ट है या फिर कंडला पोर्ट है, वहां से आप सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट जब आप यहां से एक्सपोर्ट करोगे तो दोबारा आपको इस पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, राइट। सो इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन दी टारगेटेड कंट्री कि आपका पहले भी कार्गो यूरोप ही गया था, दूसरी बार भी कार्गो आपका यूरोप ही जा रहा है, लेकिन नाउ द डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई वो चेंज हो गया है, तो आपका पोर्ट चेंज हो गया है। अगर आप गुजरात से बाय रोड अगर प्रोडक्ट चेन्नई लेकर जाते हो, इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली, आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन काफी बढ़ जाएगा, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, गुजरात के ही किसी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन जो करवाने की जो प्रोसीजर है वो दो केस में चेंज होती है। इफ यू आर चेंजिंग योर बैंक, बिकॉज आपका बैंक का एडी कोड चेंज हो जाता है, एंड इफ यू आर चेंजिंग द पोर्ट इन सप्लाई, तो वो दो केस के अंदर आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना होता है। बाकी किसी भी पोर्ट से आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। सो वसीम जी, होपफुली आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद द एक्सपोर्ट। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से जल्दी आपका अच्छे से एक्सपोर्ट हो जाए, आपका बहुत तरक्की हो, एक्सपोर्ट आपका बढ़े, कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े, और ओवरऑल हम लोग भारत को वो सुनहरे दिन वापस ला के दे पाए जो एक्सपोर्ट करके हम लोग ला सकते हैं, वो golden bird days we can bring into back again India. So that is our wish for everyone, for every trying person who is going for the export. So thank you very much and wish you very best of luck. Thank you.